she like it 'cause she like it. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू समशा गेमिंग। आज हम फिर से एक और नए वीडियो के साथ आ चुके हैं भाई। तो आज मैं आपको पूरे कासल में कौन कौन से फार्म्स है, क्या क्या है, सब दिखाने वाला हूँ भाई। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे भाई। तो पहले तो मैं सब अपना सामान पहन लेता हूँ, वरना कोई जाके ठोक देगा, मालूम पड़े कि हम किधर मिले भी और ना भी मिले। बाकी एक मैंने कासल टूर का एक वीडियो पहले भी बनाया था, उसमें थोड़ा बहुत मैंने दिखा दिया था। बाकी अभी लेजेंड खेल रहा है अपने हेवन असेंबली में भाई। तो लेजेंड के ऊपर एक सवाल भी उठा है, तो देखते मैं आगे आपको बता दूंगा। बाकी मैंने अपने लिए ये हवा में पूरा हाउस बनाया था, देखो ये इधर आके सब यूज़ करता है। चलो इससे दूरी हुए वरना वो मार देगा हमें। पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ बाद में, पहले आपको कासल का टूर बता देता हूँ। देखो ये मैंने बार्न बनाया था जो कि बहुत बढ़िया है। इधर शिप्स भी थी, शिप्स किधर चली गई भाई? देखो ये चोरी का ही पूरा गमेला है। गाँव भी बहुत सारी थी, तो जिसको जो ज़रूरत है वो निकाल लेता है, कोई रखता नहीं है। बाकी ये दो हॉर्स मैं ही लेके आया हूँ, तो कोई इसको ले जा नहीं सकता, मैंने वार्निंग दे दी है। बाकी ऊपर कुछ नहीं है, आपको एक बार इसके टाइम लैप्स दिखा देता हूँ, टाइम लैप्स एंजॉय कर लो भाई। आपने टाइम लैप्स इंजॉय कर लिए है भाई, तो पूरा हमने अकेले ने बनाया भाई। हेड बॉय ने थोड़ी बहुत बीच में मदद की थी, तो थैंक यू भाई हेड बॉय। बाकी ये कोई हाउस बना रहा है, पर क्या है अंदर वो कुछ मेरे को मालूम नहीं है। अरे भाई खाली है पूरा, बाकी ये लेजेंड का हाउस सबको मालूम ही है कि इस साइड तो और कुछ डेवलप नहीं किया है, पुराना जो था वही है। बाकी यार ये कौन नया स्पॉन हुआ इस गेम में भाई? लेजेंड ने बैन भी कर दिया, देखो वो मेरे को ऑपरेटर की भी मांग की थी, तो मैंने ऑपरेटर बना दिया उसको। पर ये देखो ऐसा कुछ सीन करता है, अंदर कोई भी एसएमपी में आए उसको निकाल देता है। तो हम उसको भी बैन कर सकते हैं, पर अभी नहीं करेंगे उसको। चलो उसका सीन अलग ही रहने देते हैं। बाकी ये अपना कासल है पूरा का पूरा, जो कि बहुत बड़ा है। और इसको पहले एपिसोड में आपने देखा होगा, तो इसको बनाने में भाई बहुत सारे माउंटेन वगैरह सबको ख़त्म करना पड़ा था। बाकी झमेला बहुत सारा हुआ था, इसके अंदर ही पूरा विलेजर हाउस है। तो एक बार पहले अंदर का ही दिखा देता हूँ, इधर कुछ नहीं है, इधर तो ऐसा ही नॉर्मल है सब। बाकी जो है वो इधर ही है, देखो
ये पूरा विलेजर के लिए बनाया गया है। ये कोई पूरे विलेजर के लिए पूरी जगह बनाई है हमारे कासल के अंदर ही। हमने जगह को भी यूज़ कर लिया था पूरी, तो बढ़िया बन गया था ये। बाकी नीचे की साइड एक हमारा छोटा सा ऑटो स्मेल्टर है, और इस साइड शिप्स और उस साइड काउ थी। बाकी देख लो एक बार, और इस साइड हमारा ऑटो स्मेल्टर था, पीछे हमारे शुगर कैन फार्म्स थे, तीन बनाए थे, तीनों तीन अभी भी वर्किंग है पूरे, तो देख लो। बाकी नीचे से कोई एंट्रेंट एंड टेबल कोई चुरा ले गया है, मेरे को तो पूरा शक है लेजेंड के ऊपर। अरे भाई ठीक कर दिया, देखो मैंने एक बार उसको बताया था कि मैं यार तेरे से बदला लेने वाला हूँ, एंट्रेंट टेबल तूने लिया है तो रख दे, तो रख दिया है तो अभी तो बढ़िया है। बाकी बदला तो उससे लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा घपला कर रहा है वो। बाकी ये बीकन हमने नेदर में नेदर क्या उसको मारा था, क्या नाम है उसका, नाम भी भूल गया मैं। स्टार कलेक्ट करने के लिए उसको मारना पड़ता है, विदर को भी मारा था। बाकी आपने अगले एपिसोड में देखा होगा कि हमने ये एल शेप पूरा कंप्लीट कर दिया था, तो देखो भाई ये एल शेप है हमारा। उसमें शायद से ग्लास लगाना बाकी रह गया था, उसके पहले ही मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया था, तो भाई सॉरी भाई। बाकी ये पूरा मेंशन जो है मेरे नोटी और बैड बॉय को रहने के लिए बनाया था, पर अभी तो सब इधर आते जाते हैं, पर हमारी रूम में कोई नहीं आ सकता है। बाकी देखो ये मेरी रूम है, मैं भी कितने दिनों के बाद आ रहा हूँ। ये पूरा सामान मैंने रखा हुआ है, मेरे को भी याद नहीं है इधर मैं क्या क्या रखता हूँ। बाकी कभी कभार आता हूँ तो क्या रखेंगे भाई। बाकी ये नोटी का गेम है, नोटी शायद से बोल रहा था कि आज मैं SMP में कंटिन्यू करूँगा, तो देखते आएगा कि नहीं आएगा। तो बाकी ये ऊपर का फ्लोर है, बहुत बढ़िया है भाई। इधर हमने सोचा था कि इधर चेस्ट वगैरह छुपाने के लिए बनाएंगे, पर मेंशन में कुछ अभी आगे वर्क किया नहीं है। बाकी इसके ऊपर कुछ और है नहीं, देख लो ऐसा कुछ दिखता है हमारा मेंशन। पीछे की साइड से बैक व्यू भी दे देता हूँ मैं आपको। अरे भाई क्या हो रहा है यार, देखो ये बैक व्यू है पूरा। बाकी ये नीचे पूरा अपना वुड फार्म जो कि ओपी गेमिंग ने बनाया है, थोड़ा बहुत वर्क करता है कभी कभार, पर इतना कुछ खास है नहीं। वुड तो आया है भाई, तो खास ही है, थोड़ा सा ले लेते हैं, हमारे ज़रूरत थी हमें भाई बहुत वुड की, सब उठा लेते हैं। बाकी अभी तो शायद से वर्क नहीं कर रहा है, बोनविल नहीं था, बोनविल डालना पड़ता है। बोनविल का कुछ जमेला है इसमें, बोनविल आता नहीं है ऐसा कुछ है इसमें। बैड बॉय भी आया है, बैड बॉय हाँ सभी लोग आ रहे हैं यार। बाकी ये पूरा का पूरा कोबलस्टोन फार्म में बहुत ही बढ़िया वर्क करता है भाई, एक बार स्टार्ट किया था बाद में स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, इतना कोबलस्टोन कलेक्ट कर दिया है। और इस साइड हमने नीचे पूरा ऑटो स्मेल्टिंग मशीन बना दिए, तो पूरा इधर आप देख सकते हो भाई, पूरा इधर अंदर स्टोन ब्रिक्स आ जाएंगे स्टोन ब्रिक्स ही नहीं। बाकी अंदर का एक बार दिखाता हूँ मैं, खुला रह गया वो किधर से अभी। बाकी ये पूरा हमने क्लीन कर दिए सब, अभी कारपेट लगाने का प्लान किया था। इधर से खुला है भाई, दिखा देता हूँ मैं आपको, देख लो भाई ये पूरा ऑटो स्मेल्टिंग मशीन है, इधर से लेके इधर तक पूरा मशीन है। और इसके लिए फ्यूल की भी ज़रूरत थी, तो हमने फ्यूल के लिए हमने उसका यूज़ कर लिया, वो क्या बोलते हैं कारपेट का यूज़ कर लिया। अरे भाई कोबलस्टोन ख़त्म हो गए, ऐसा तो हो नहीं सकता है भाई, कोबलस्टोन ख़त्म हो जाए ऐसा। अरे भाई इधर से किसी ने टॉर्च ही निकाल दिए, हाँ अभी इसको स्टार्ट कर देते हैं, अभी स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में, चलो स्टार्ट करके ही निकलते हैं। अरे भाई इधर इसको भी, अरे यार किसने यार मशीन के पूरी वाट लगा दी है,
अभी तो वो भी नहीं होगा मेरे पास। पावर देने के लिए टॉर्चेस वगैरह चाहिए होगा। इधर खामखा टॉर्चेस लगाई है, वो सब उधर यूज कर लेते हैं। इसको इधर लगा के इधर पावर आ गई। अभी इधर एक लगा देता हूँ, सारे और जगह पे आ गई होगी शायद से। अभी देखते हैं वापस आती है कि नहीं है। नहीं, लास्ट में किसी भी जगह पे पावर नहीं है भाई। ये पूरा झमेले वाला है। इधर कहीं पे पावर नहीं आ रही है ना। इधर पे तो टॉर्च हम लगा भी नहीं सकते है। इधर शायद से लग जाए तो पावर तो आ गई है। अभी इसको चलाने के लिए तोड़ना पड़ेगा। इधर से थोड़ा खींच के लगाना पड़ेगा यार। एक ही कलेक्ट हुई है भाई। इधर से निकाल लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल तो। क्योंकि वो जो है ना, वो हमने बेम्बू फार्म में से इधर लगाया था। पर बेम्बू फार्म तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, पर ये क्या बोले, बेम्बू जो है वो साला सही से काम नहीं करता है। इधर आता है तो थोड़ी देर में सब ख़त्म हो जाता है, तो इसके लिए बहुत बड़ा झमेला बनाना पड़ता। ट्रेन वगैरह सब, ट्रैक्स वगैरह बहुत लंबे लंबे बिछाने पड़ते। दो तीन एक बारी में ट्रेन चल जाए ऐसा कुछ करना पड़ता। पर उस झमेले में हमें कुछ मज़ा नहीं आया, तो इसलिए हमने वो सारा प्लान ही कैंसिल कर दिया। बाकी इसको अभी लगा देते हैं। इलेक्ट्रा पहनी हुई है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है भाई। बहुत झमेला है इलेक्ट्रा का। डबल बार जो क्लिक हो जाए एक बार भी तो नहीं चलता है। अभी चलो बढ़िया से वर्क होगी। अभी धड़ाधड़ आने लगेंगे। बाकी हमने आपको मशीन दिखा दिया, ये कोबलस्टोन फार्म में से ही सीधा हमने ये ट्रैक बिछा दिया है कि कोबलस्टोन फार्म की सीधा यूज़ करके हम कोबलस्टोन को ले लेंगे। और उधर से निकलते हैं अभी भाई। उसके लिए हमने ये कारपेट ड्यूप्लिकेटर भी बना लिया। बाकी ये फॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है भाई। देखो सभी चेस्ट फुल होगी, और इसके नीचे ही पूरी पटरी है। पटरी के वजह से उधर चली जाती है सब कारपेट्स। और उसको क्या एक्सप्लेन करूँ भाई मैं। बाकी अंदर जाने के लिए सीधे ही मशीन के अंदर ही जा सकते हम। ये कारपेट डुप्लीकेटर हो गया। अभी बैम्बू फॉर्म भी बता देता हूँ मैं आपको। इस सब के रिप्ले फाइल्स होंगे तो मैं बीच बीच में डालता रहूँगा, तो आप रिप्ले फाइल्स भी देख लेना एक बार। बाकी इसका भी रिप्ले फाइल, वो भाई तो पूरा फूल है भाई, पूरा फूल है।
भी पूरा फुल है, माइंड कार्ड भी पूरी नहीं, ये पूरी जा ही नहीं सकती क्योंकि इधर से हम ऐसे लेंगे तब वो आएगा और इसमें पावर जाएगा, ऐसा कुछ सिस्टम हमने बनाया था भाई। तो चलो भाई उसको रख देते हैं। बाकी ये बोन मिल फार्म बनाया था, पर ये बोन मिल कुछ आता ही नहीं है, इसमें सब कलेक्ट होता नहीं है, ऊपर चला जाता है सीधा ही। तो ये भी झमेला वाला है पूरा, इसके भी इसका तो क्या रिप्ले फाइल, ये तो छोटकू सा है और 1-2 मिनट में बन गया था। इसका रिप्ले फाइल शायद से था मेरे पास, आपको मैं टाइम लैप्स में दिखा दूंगा इसका फाइल, आप टाइम लैप्स में देख लो भाई। आपने देख ही लिया कि ये कैसे बनाया था। तो अभी ये रेल फार्म, क्योंकि स्टार्ट करते ही धड़ाधड़ धड़ाधड़ रेल को जनरेट कर देता है और पावर रेल, और वो दोनों रेल सीधी आ जाती है हमारे पास। और बाकी तो ऐसा कुछ खास हमने कुछ बनाया नहीं था, और एक ऑटो स्मेल्टिंग फार्म था जो कि बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है अभी भी। हाँ ये रहा, इधर सीधा आयरन फार्म में से इधर आ सा इधर आयरन आ जाता था फार्म में, जो भी इधर रखते थे वो सीधा आ जाता था इधर रखने का। इधर जैसे कि ये वुड वाला है, मैंने ये वुड डाला तो ये वुड वाले में सीधा ही आ जाएगा इधर। पहले मैं आपको दे देता हूँ, ये हमने मैन्युअली प्लेस कर दिया है सब। बाकी कोबलस्टोन फार्म में से इधर भी आता है, पर मैंने उसको बंद कर दिया क्योंकि भाई इधर इतना सारा कोबल स्टोन आएगा तो ये पूरी ऊपर हॉपर सिस्टम है, हॉपर सिस्टम से ये पूरी फुल हो जाती है, और ये फुल हो गई तो बाद में कुछ सामान नहीं आता है, इसलिए मैंने ये सब बंद कर दिया। बाकी ये रेल फार्म में मैंने डिटेच कर दिया, ये तो अटैच्ड ही है, सीधा ही डालोगे तो सीधा ही आ जाएंगे, ये पूरा अटैच है। और तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं था। बाकी आज जो ऊपर जो सामान दिख रहा है वो अंदर होगा, जैसे आप देख लो डर्ट वाले में डर्ट है, ये वाला सब ऐसा ही है। तो ये कुछ ऐसा ही है, वर्क अच्छे से कर रहा था, पर ये ओपी गेमिंग के देखो एक एनविलॉप, और वो एक मैक ओपी करके एक फ्रेंड था उसका, तो वो भी यार सब एक बार तो लेजेंड क्या उसमें से पूरा डायमंड का आर्मर वगैरह चुरा लिया था, तो उसको हमने माफ़ कर दिया भाई। जा भाई तू भी क्या याद करेगा। बाकी ये पूरा हमने वो फार्म बनाया, वो फूड के लिए फार्म बनाया है, ये मॉब फार्म है जो कि अभी तक बढ़िया से वर्क कर रहा था। देखो इस पर एफ के होते तो बहुत आता है, पर ये बिना एफ के का है, हम कभी भी एफ के इसमें हुए ही नहीं है। ये क्रीपर फार्म में 1-2 बार शायद से हुआ था लेजेंड, और इसमें भी देखो ये पूरा किसी ने तोड़ दिया है, इसमें से क्रीपर बाहर आ जाएगा भाई। नहीं मारना है, चलो उसको जाने देते, अभी कोई बिल्ली भी चुरा के ले गया, इसमें कुछ नहीं है। बाकी इसके नीचे पूरी सिस्टम बनाई हुई है इधर से, अरे भाई इधर से भी कोई चुरा के ले गया भाई साहब, पूरा सब बिखेर दिया है, SMP को बर्बाद कर दिया है भाई। बाकी इसमें से सीधा ही गन पाउडर हमारे ऑटोस्मेटिक फार्म में चला जाता था, इधर से कोई ज़ॉम्बी उठा के ले गया, ये भी बढ़िया है। बाकी इसमें आयरन फार्म में आयरन वगैरह आता है, उसमें भी ज़ॉम्बी नहीं है, है ज़ॉम्बी है उसमें तो है। तो भाई हाँ कुछ क्या हो रहा है ये, तो ये कुछ ऐसा है अभी। और एक फॉर्म इधर भी है, ये मैंने कभी भी नहीं दिखाया, ये लेजेंड ने बनाया था,
भाई ये पूरा फॉर्म यार कोई वर्क करता नहीं है, वो तो बात कोई नहीं है, पर ये वर्क जो किसी ने बनाया है उसका भी रहने नहीं देते। इसमें मकड़ी आती है, मकड़िया का स्पॉनर था इधर नीचे ही, हमारे नीचे ही, तो इधर मकड़ी आती है, थोड़ी देर रख के होना पड़ता है, बाकी तुरंत आ जाएगी। और उसमें सामान भी बहुत सारा आता है भाई, तो बाकी इधर लिफ्ट बनी हुई है, ऊपर पूरा तोड़ दिया ये देखो, क्रीपर किसी ने फोड़ा होगा ऐसा लग रहा है मेरे को। बाकी हाँ एक बार अभी लेजेंड की जो बात चल रही थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ है भाई। वो क्लिप मेरे पास है कि नहीं है वो तो मेरे को पक्की मालूम नहीं है, कि लेजेंड जो है वो मेरा एक आर्मर वाला मैंने स्टैंड बनाया था इधर, वो आर्मर चोरी कर लिया है लेजेंड ने। और ये जो ओपी गेमिंग एक्स वाई जी है उसको हमने एक बार बोला था कि आप फ्रेंड को भी बुला के इस एसएमपी में खिला सकते हो, हमारा एक प्लान भी था कि हमारे जो भी सब्सक्राइबर है वो हमारे साथ खेले, तो हमने वो सब करने ही वाले थे, पर ये ओपी गेमिंग एक्स वाई जी जो है उसने पूरा, अरे यार आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, बाकी ये इलेट्रा है और कुछ नहीं है। और जो हमारा ओपी गेमिंग एक्स वाई जी है उसने उसके फ्रेंड को तीन चार को बुलाया था, देख लो आप अभी एक दो खेल रहे हैं, तीन तीन लोग वो खेल रहे हैं, बाकी बैड बॉय मेरे साथ है। मैंने उसको एक बात बता दी कि मैंने इधर स्टैंड वगैरह आर्मर स्टैंड लगाया था और लेजेंड ने पूरा चोरी कर लिया है, तो वो भी मान गया है, मेरी साइड हो गया है। बाकी आज जब नोटी आता है तब उसको हम सारी बातें बताएंगे, वो किसकी साइड जा रहा है वो अगले वीडियो में देख लेंगे। बाकी हमें एक प्रॉपर बहस की ज़रूरत है। बाकी आपको मैं एक बता दूं, मैंने और लेजेंड ने पहले एक सीक्रेट बहस बनाया था जो कि किसी को मालूम नहीं है, मेरे को और लेजेंड को और शायद से बैड बॉय को भी मालूम है, बाकी किसी को मालूम नहीं है कि हमने इधर सीक्रेट बेस बनाया है। किधर गया भाई, इधर आ, इधर पानी में से जाना है। इधर ऐसे चले जाएंगे हम, बाकी ये हमारा सीक्रेट बेस है, ये किसी को भी मालूम नहीं है, ये मेरी रूम है पूरी भाई, और इसका तो लेजेंड को मालूम है कि हमने ये सीक्रेट बेस बनाया था। और ये बैड बॉय की रूम है, बैड बॉय ज़्यादा इधर आया ही नहीं है, मैं ही इधर पूरा वर्क कर रहा था, बाकी कोई नहीं आया। बाकी ये लेजेंड की रूम है, हम कुछ छानबीन नहीं करेंगे उसके में। और नीचे पूरा हमारा बेस बना हुआ है डायमंड वगैरह का, देखो भाई लेजेंड को डायमंड की तो कमी नहीं थी शायद से, पर वो मेरा आर्मर चुरा के गया है, पूरा मेरा आर्मर है वैसे ही मैंने दूसरा बनवाया था। मैं और बैड बॉय पूरा क्या बोलते हैं एमरेंट्स वगैरह कलेक्ट किया और बुक्स वगैरह ली, तो वो तो पूरा सीन था, पर लेजेंड ने मेरा आर्मर चुराया उसके बदले में मेरे को बदला तो लेना ही है। बाकी अभी ये वाला बेस जो है वो तो लेजेंड को मालूम है, तो इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं और बैड बॉय मिल के एक अपना और एक बेस बनाए जो कि फुल्ली सीक्रेट हो, किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए उस बेस के बारे में। बाकी अभी मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और इस वीडियो को एंड करके मैं बैड बॉय के साथ बातचीत करके पूरा बेस बनाने का तैयारी करता हूँ। बाकी हम बेस बनाएंगे तो मैं उसका वीडियो भी बना डालूँगा, और इस एपिसोड के बाद में उसी का मैं टूर दे दूँगा। और यार ये कौन था मेरे पीछे, यार देखा नहीं मैंने सही से, यार ये सब किधर जा रहे हैं मेरे को देखना पड़ेगा। ओपी गेमिंग है, लेजेंड है, कुछ तो कर रहे हैं यार। चलो मैं इधर से निकल जाता हूँ, खामा का उसको शक होगा तो मेरे साथ फाइट कर लेंगे भाई, हमें फाइट करनी है लेजेंड के साथ।
नोटी का कुछ मालूम नहीं है भाई। अरे ये क्या हो रहा है, प्लीज सही से चल रहा है। चलो अभी मैं एक काम करता हूँ, बैड बॉय है तो उसको मैं बात करके अभी एक काम करता हूँ, इधर है वीडियो को एंड कर देता हूँ, इधर ही दूसरा वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ मैं। रुको इसको डिस्कॉर्ड में बुलाता हूँ। चलो मैं दूसरा वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ, इस वीडियो को एंड करते, बाकी मिलते हैं कल सुबह को और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।